नमस्ते ओम शांति। आपको स्वागत है आपके 298 दिन की ईश्वरी वरदान में, जहाँ पे परम पिता परमात्मा हमें सर्वशक्तिवान कैसे बनना है और सर्वशक्तिवान है क्या, उसका मतलब क्या है वो समझाते हैं। तो चलिए विस्तार में बाबा कहते हैं, देखें इसको। बाबा कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा, किसकी अथॉरिटी? ईश्वरीय अथॉरिटी जो परमपिता परमात्मा ने हमें दी हुई है, अथॉरिटी मतलब जो ज्ञान दिया हुआ है उसको इस्तेमाल करना ही हमें परमात्मा कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी है। द्वारा संकल्प व बुद्धि को, जो हमारे मन में संकल्प चलते हैं और जो बुद्धि में निर्णय लेने की जो शक्ति आती है वो किससे आती है? ईश्वरीय दिए हुए ज्ञान के द्वारा, क्योंकि हम आत्मा में ही क्या है, मन है, बुद्धि है और संस्कार है। ये तीन शक्तियां आत्मा के अंदर हैं। अगर आत्मा स्वच्छ होती जाती है तो मन एकाग्र होता जाता है, बुद्धि में निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती जाती है और संस्कार भी बिल्कुल पवित्र होते जाते हैं। तभी कहते हैं ना अंतिम संस्कार किए गए उसके। तो हमारे अंतिम संस्कार मतलब शरीर को जलाना नहीं, आत्मा के अंतिम आदतें क्या थी? लोभ की थी, अहंकार की थी कि पवित्रता की थी, नम्रता की थी, सहनशीलता की थी, कौन सी आदतें थी? वो हमारे साथ में जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं द्वारा संकल्प और बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भावा। तो मन और बुद्धि को अगर हम ऑर्डर प्रमाण चलाएंगे तो संस्कार भी हमारे मतलब आदतें भी हमारी बदलती जाएंगी। जैसा सोचते हैं वैसे हम हमारे अंदर आदतें बनती हैं और जैसी आदतें बनती हैं वैसा हमें रिजल्ट मिलता है दुनिया से। तो देखें बाबा कहते क्या है इसको विस्तार में। जैसे स्थूल हाथ पाव को बिल्कुल सहज रीति जहाँ चाहो वहाँ चलाते हो, हमारे जो हाथ पैर, मैंने भी हाथ से उठाया आपको समझाने के लिए, हाथ से चलाए मैंने, तो ये तो आदत पड़ी हुई है हमें आत्माओं को कि हम हाथ पैर जैसे चलाना चाहें चला सकते हैं। जो कर्म करते समय जैसे हाथ पैर चलाने चाहें, चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, लिख रहे हों, चाहे पढ़ रहे हों, चाहे हम किसी को समझा रहे हों, चाहे बर्तन धो रहे हों, चाहे झाड़ू लगा रहे हों, घर में घर की सफाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, हाथ पैर चलाने हमें सहज लगते हैं, एक आदत बन गई, संस्कार बन गया हम आत्माओं को शरीर को यूज करने का, इस्तेमाल करने का सही ढंग से। तो बाबा कहते हैं वैसे संकल्प व बुद्धि को जहां लगाने चाहो वहां लगा सको, मतलब कि हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाए कि हम फोकस जहां करना चाहें संकल्प शक्ति को और बुद्धि को, ऑब्वियसली पवित्र सोच में, अच्छे संकल्पों में लगाएं, यानी कि गलत जगह लगाएं तो बिल्कुल ही नेगेटिव में चले जाए, डिप्रेशन में चले जाए, बिल्कुल औरों के बारे में बुरा सोचना शुरू हो जाए, वो नहीं, वो नेगेटिविटी होगी। इसका मतलब हमारा मन बुद्धि पे कंट्रोल नहीं है। जैसा हमारा हाथ पैर पे कंट्रोल है वैसा मन बुद्धि पे भी कंट्रोल होना चाहिए, बाबा ये कहना चाह रहे हैं। ऐसे ही कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी, इसी को क्या कहते हैं, ऐसे ही ईश्वरीय अथॉरिटी कब, जब हम अपने मन बुद्धि को जहाँ चाहें जितना समय चाहें वहाँ पे एकाग्र करते हैं, जिस काम में चाहें बिल्कुल फोकस हो जाए उस चीज़ के अंदर। तो परमात्मा कहते हैं इसको कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। ये कैसे आएगी? कि मेडिटेशन से आती है। मैं आत्मा परमात्मा की याद में, परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को जितना याद करूँ तो हमारे अंदर विवेक बढ़ता है, बुद्धि में शक्ति आती, बल आती है, इसको कहते हैं विल पावर। जैसे वाणी में आना सहज है, जैसे मुख से बोलना सहज है, वाणी में आना सहज है ना, बातें करना सहज है, बातें तो बहुत कर लेते हैं, बातें बहुत भी बना लेते हैं हम लोग, तो बाबा कहते हैं आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज हो। वाणी से परे जाना जो कहते हैं निर्वाणा, मतलब कि हम कुछ सेकंड के लिए जहाँ से हम आत्माएं आई हैं, शरीर तो हमने यहाँ पे धारण किया इस दुनिया से, जहाँ से हम आत्माएं आई हैं परम धाम लाल प्रकाश की दुनिया, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है परमपिता परमात्मा के बैकग्राउंड में बिंदु प्रकाश और उनके पीछे लाल सुनहरा प्रकाश है, वो है ब्रह्मलोक परम धाम। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम उस दुनिया को अपने घर को याद करें जहाँ से हम आए हैं ओरिजिनली, और वहाँ पे बैठे हुए परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु को भी याद करें, वो भी क्या हो, सहज हो, बोलना सहज, तो उस दुनिया में जहाँ पे हम शरीर भी नहीं लेके जाएंगे, ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे, तो शरीर भी नहीं जाएगा, तो जब शरीर नहीं जाएगा तो वहाँ पे बोलना होता ही नहीं है, तो वहाँ की आदत लगानी पड़ेगी कि वहाँ पे जाकर साइलेंस में बैठ जाए, बिल्कुल मुख से कुछ ना निकले वहाँ पर, तो संकल्प शक्ति भी बिल्कुल शून्य हो जाए। संकल्प चलेंगे तो मुख चलेगा, संकल्प नहीं चलेंगे तो मुख नहीं चलेगा, तो साइलेंस में बैठने की आदत बनाने के लिए कह रहे हैं परमात्मा। तो वैसे वाणी से परे जाने जाना भी इतना ही सहज हो, इसी अभ्यास से साक्षात्कार मूरत बनेंगे। और क्या साक्षात्कार होगा?
वो जब आपसे मिलेंगे उनको महसूस होगा कि शीतलता महसूस हो रही है, शांति महसूस हो रही है हमारे द्वारा उनको। तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान की अब डेफिनेशन दे दी परमात्मा ने कि इतनी शक्ति हो मन बुद्धि में जब चाहे फुल स्टॉप लगा दे, जब चाहे यू टर्न लगा ले अपने मन बुद्धि में। नेगेटिव साइड में जा रहा है, यू टर्न लगा लिया, पॉजिटिव साइड में चला चुका, कुछ नेगेटिव सुना, कुछ नेगेटिव देखा, फुल स्टॉप लगा दिया और उसको पॉजिटिव में टर्न कर दिया। ज्ञान होगा तभी टर्न कर पाएंगे, मेडिटेशन की शक्ति होगी तभी टर्न कर पाएंगे, एकाग्रता होगी तभी टर्न कर पाएंगे, साइलेंस में बैठने की आदत होगी, मुख से कम बोलना, साइलेंस में बैठना परमात्मा की याद में तब होगी। साइलेंस में बैठना मतलब ये नहीं कि कमरा बंद कर लिया आपने, आवाज नहीं कुछ, वो साइलेंस की बात नहीं हो रही है। मन में साइलेंस हो, मन में संकल्प कम चले, ये चीज की प्रैक्टिस करनी है, तो वो साइलेंस की बात हो रही है, ना कि दुनियावी बाहरी वातावरण के साइलेंस की बात हो रही है सिर्फ। तो परमात्मा चाहते हैं हम इस प्रकार से हम मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाए जाएंगे। तो यह मास्टर सर्वशक्तिवान की डेफिनेशन। तो ये कैसे बनना है, क्या ही है, और विस्तार में समझने के लिए आप ब्रह्म कुमारी गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में जाकर के इसको सीख सकते हैं, इसको सहज ही निःशुल्क। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति।